गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल का ये तीसरा टाइप आता है। इससे पहले हमने जो भी वीडियोस डिस्कस की है, जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने किया एंगुलर का, फिर हमने हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल किया था। अगर आप इस तरीके से ना समझ पा रहे हो तो सीधे सीधे मैं बात करता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने करवाया था आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, जिसको बुक के अंदर नाम दिया गया है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। क्लियर? उसका हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी वगैरह सब कुछ निकाले और अलग अलग टाइप के हमने उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी सोल्व किए। दूसरा टाइप मैंने आपको करवाया था, उसमें बुक के अंदर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के नाम से दे रखा है, बट मैंने आपको करवाया था प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, यानी ऊपर से अगर कोई चीज़ नीचे की तरफ प्रोजेक्ट होती हुई आती है तो उस समय भी हमने उसके टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट सब कुछ मन कुछ के इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमने डिस्कस किए थे, न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। आज आता है आपका थर्ड प्रोजेक्टाइल, दैट इज द प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन मैं करवाने जा रहा हूँ। थ्योरेटिकल पोर्शन अगर आपको समझ में आ गया तो आगे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी वही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट वगैरह सब कुछ इसमें भी निकालेंगे हम, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन इंक्रीज हो जाएगा हमारा। तो बड़ा सिंपल सा ये लॉजिक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इन तीनों में। तो मैं थोड़ा सा बेसिक सा देख लीजिए एक बार। देखिए, एक मैंने करवाया था ये वाला प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल हमारा ये वाला आया था, और आज जो मैं प्रोजेक्टाइल करवाने जा रहा हूँ दैट इज इंक्लाइंड प्लेन, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आप पहली बार पढ़ोगे, जो बिल्कुल नई होगी आप लोगों के लिए, ठीक है? और इस चीज़ का कंसेप्ट आपको थर्ड यूनिट लॉज ऑफ मोशन में देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ से इसको सीखिए प्लीज़। तो देखते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। सबसे पहले हम एक इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ये इंक्लाइंड प्लेन बनाया, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं क्योंकि डायग्राम है। इस वाले वीडियो में मैं आपको जस्ट कंस्ट्रक्शन और इसके डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, जहां पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, इंक्लाइंड प्लेन को हम सोल्व करते हैं। इसके डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर? अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग एंगल मिलेंगे, पजल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जो मैं करवा रहा हूं वो सीखिए प्लीज ध्यान से। इसको इंक्लाइंड प्लेन, इसको थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है? चलिए, यहां से आपने एक बॉल को फेंका, एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने यहां से प्रोजेक्ट किया। विद वेलोसिटी यू, इनिशियल वेलोसिटी यू से आपने उसको प्रोजेक्ट किया, एंड दिस वेलोसिटी मेक एन एंगल विद इंक्लाइंड प्लेन अल्फा। ठीक है? क्लियर हो रही सारी चीजें? जिस वेलोसिटी से बॉल प्रोजेक्ट हुई है वो इंक्लाइंड प्लेन के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है, और इस तरीके से वो जाएगी। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन दो टाइप के होते हैं यहां पे। एक होता है डाउन टू टॉप और एक होता है टॉप टू डाउन, ठीक है? आज मैं जो करवाने जा रहा हूं यहां पे आपको वो है डाउन टू टॉप। इसके बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं यहां पे, टॉप टू डाउन बाद में करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से बॉडी को फेंका गया और प्रोजेक्ट होती हुई लाइक दिस यहां पे आती होगी। क्लियर बच्चों? अब यहां से देखिए आप, अब सबसे पहले यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको वो ये है कि इंक्लाइंड प्लेन का जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है, इंक्लाइंड प्लेन का जब भी कोई टॉपिक आता है, तो रिमेंबर पॉइंट ये है कि आप जैसे अभी यहां पे ये क्या है, एक्स एक्सिस है,
और इसका परपेंडिकुलर क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। लेकिन इस केस में हम एज्यूम करेंगे, मानेंगे, किस लिए मानेंगे, क्यों, इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए, ताकि आपको आसानी से ये टॉपिक कवर हो सके, समझ में आ सके। हम एक्स वाई एक्सिस को रोटेट करेंगे विद एंगल थीटा, मतलब ये है कि हम इस एक्सिस को एक्स नहीं मानते हुए इंक्लाइंड प्लेन को एक्स मानेंगे। इससे क्या होगा, कोई रीजन नहीं है, रीजन ये है सिर्फ कि आपका टॉपिक उतना ही ज्यादा इजी हो जाएगा, आपको समझ में जल्दी आएगा। तो इंक्लाइंड प्लेन को मैंने एक्स एक्सिस मान लिया और इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो वाई एक्सिस होगा, एक्स के परपेंडिकुलर जो होगा वो वाई एक्सिस होगा, क्लियर है। यू वेलोसिटी से बॉडी को फेंका गया था विच मेक एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस और इंक्लाइंड प्लेन। तो यहां से आपको साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे यू के दो कंपोनेंट आराम से टूट रहे हैं, क्योंकि ये चीजें मैं करवा चुका हूं आपको एंगुलर प्रोजेक्टाइल में। अगर मैं इस पोर्शन को अलग से रिप्रेजेंट करके आपको दिखाऊं तो आप समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, अगर मैं इस वाले पोर्शन को ऐसे लाके यहां पे रख दूं तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहां से ये यू ऐसे गई है, ऐसे आई है, ये एंगल अल्फा बन रहा है यहां पे साफ तौर पे, ठीक है। तो यहां से देखिए, इसका एक कंपोनेंट तो अलोंग एक्स एक्सिस टूटेगा और एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस टूट रहा है, ये हम पहले कर चुके हैं। तो अलोंग एक्स एक्सिस इसका कंपोनेंट क्या होगा, यू कोस अल्फा एंड अलोंग वाई एक्सिस यू साइन अल्फा। मुझे नहीं लगता यहां तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ये सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो यू कोस अल्फा आपने पढ़ा है और ये यू साइन अल्फा आपने पढ़ा है, क्लियर है इतनी चीजें। अब यहां पे एक चीज देखने को मिलेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी है हमारी, उसका कंसेप्ट यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किया हुआ है बुक के अंदर, और हम इसको अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर, यानी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं ग्रेविटी की वैल्यू देखूं तो ये आएगी, जी की वैल्यू, जी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है। अब अगर ये देखें हम तो यहां पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि जी के भी यहां पे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट टूट रहे हैं। देखिए जरा, ये अगर अल्फा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो जी के भी यहाँ पे टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स रिजोल्व हो रहे हैं, साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। एक कंपोनेंट तो इसका ये आएगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या आएगा, थीटा, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब ये थीटा है तो ये टूटेगा, जी कोस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में टूटेगा, जी साइन थीटा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं, ठीक है, यानी बॉडी उधर जा रही है और ग्रेविटी किधर लग रही है, जी साइन थीटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगेंस्ट। अब यही चीजें अगर मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं तो देखिए क्या मिल रहा है देखने को, x एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या लग रहा है, g cos थीटा, x एक्सिस के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ क्या लग रहा है, g cos थीटा, क्लियर है ये चीजें। और x एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, g sin थीटा, x एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में g sin थीटा। तो इसी डायग्राम को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, दोनों तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। बुक में आपको ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया है कि किस तरीके से। अब आपके जो डेरिवेशन हम करेंगे उसमें आपको गड़बड़ नहीं आएगी, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में ये नेगेटिव हम लेंगे और वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में इसको हम नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा ही कंसेप्ट था, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी इसकी। तो इसमें जो समझने वाली बातें यही हैं कि
कि वेलोसिटी के कंसेप्ट को तो हमने पढ़ा था पहले भी, कि वेलोसिटी को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं, यू कोस थीटा और यू साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना है, अल्फा है, तो यू कोस अल्फा और यू साइन अल्फा, इतना हम पढ़ चुके थे। यहाँ पे जो नई चीजें हैं, जो नई पैरामीटर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। सो इंक्लाइंड प्लेन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स रिजोल्व हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको ये एंगल निकालना आना चाहिए, ये थीटा, ये 90, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा ही बचेगा क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये जिस एक्सिस के लोग एंगल होता है वो कोस में टूटता है और अपोजिट वाला साइन में टूटता है। तो इसको मैंने इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है। आई होप ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। सारी वही चीजें हैं, यहाँ से जब जहां बॉल जाके गिरेगी वो उसका हॉरिजेंटल रेंज बन जाएगा, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, यू इसकी इनिशियल स्पीड है, सारी चीजें वही हैं। अलग अलग कंडीशंस में हम इसके पैरामीटर्स को निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है। तो आई होप ये थियोरटिकल पोर्सन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही है, इस डायग्राम को ही समझाना मेरा मकसद था आज का। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके तीनों पैरामीटर के डेराइव्ड फॉर्मूला करूंगा बहुत बढ़िया तरीके से, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड।